कल सुबह ही होली मंगलिक कर दी गई, लोगों ने परस्पर रंग लगाए और आज विशेष तौर पर राजस्थानी होली महासम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन बहेंद्र पूर्व के बाल ठाकरे ग्राउंड में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम जालौर सिरोही विकास परिषद, राजस्थान प्रवासी संघ, सिरोही पाली प्रवासी संघ तथा छत्तीस कौम एकता परिषद के तत्वाधान में हो रहे हैं, जहां पर हजारों राजस्थानी यहां पर सांस्कृतिक व गैर नृत्य का आनंद ले रहे हैं। इससे पूर्व सुबह जब होली दहन हुई उसके पश्चात परस्पर रंग लगाए और बच्चों की ढूंढ की गई। छोटे बच्चे की जब पहली होली है तो उसे ढूंढ करते हैं। आइए हम चलते हैं कार्यक्रम में। यहाँ पर जालौर सिरोही विकास परिषद राजस्थान प्रवासी संघ द्वारा आयोजित होली सम्मेलन में आप देख रहे हैं यहाँ पर गैर हो रही है और काफी मात्रा में यहाँ पर राजस्थानी बंधु यहाँ पर उपस्थित है। हम इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हमारे साथ है रतन सिंह जी तुर्रा, उसके बाद में इस संस्था के जो फाउंडर कहे जा सकते हैं ऐसे स्तंभ गोविंद जी पुरोहित और जी भाई साहब हमारे साथ है। आज हम रतन सिंह जी तुर्रा से बात करेंगे। रतन सिंह जी तुर्रा, आप ये कितने वर्षों से ये होली का आयोजन यहाँ मुंबई में और भाईंदर में करते हैं और इस विषय में आपका क्या अभिप्राय है? प्रणाम। पहले तो आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। जालौर सिरोही विकास परिषद लास्ट 20 सालों से प्रवासियों को जोड़ने का काम कर रहा है और अलग अलग जगह पे हम लोग इस तरह का होली सम्मेलन हम करते हैं। जैसे पहले बांद्रा में करते थे, फिर बोरीवली में किया और अभी भाईंदर में कर रहे हैं। कोविड की वजह से 2 साल प्रोग्राम नहीं हो पाया, उसके लिए हमें खेद है। तो आप पिछले 20 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जब आपने 20 वर्ष पहले ये जब शुरू किया था उस समय राजस्थानियों की यहाँ संख्या क्या थी और आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी औसत संख्या कहाँ तक पहुंची है और आपको कहाँ तक सफलता मिली है? जब भी हम स्टार्टिंग में जो संस्था का स्थापना की थी उस टाइम पे तो काफ़ी कम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी कार्यकारिणी और सभी और हमारे अध्यक्ष महोदय ने काफ़ी कोशिश कर सबको जोड़ने का कोशिश किया। अब अंतिम सवाल आपसे कि ये जो आप 20 वर्षों से ये सफर आप कर रहे हैं, इस सफर में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका आपको विशेष रूप से सहयोग मिला, योगदान मिला, और ऐसे कौन से लोग हैं जो आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित नहीं है? देखिए, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री गोविंद जी और मेघराज जी हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं और हमारी जो कार्यकारिणी है, जो भी हमारे एरिया वाइज जो अध्यक्ष है, उन्होंने सबने सहयोग दिया है, एक्चुअली भरपूर सहयोग दिया, तभी जाके तो हम इस मंजिल तक पहुंच सके एक्चुअली। तो यहाँ जो मुंबई में राजस्थान आप जो देख रहे हैं, थोड़ा कैमरा घुमाइए, ये इतना विशाल संख्या में यहाँ पर राजस्थानी जन समुदाय हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है और इस राजस्थानी जन समुदायों को एकत्रित करने में ये राजस्थान जो प्रवासी संघ है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संस्था के अध्यक्ष गोविंद जी पुरोहित तो पिछले काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, माननीय प्रकाश चंद्र जी भाई साहब राजस्थान से, अरुण जी चतुर्वेदी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, देवेंद्र जी फडणवीस और आज श्री सतीश जी पुनिया इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। पिछले सभी कार्यक्रमों में सभी लोगों की हमारे को सहयोग मिला, सानिध्य मिला और उस कारण एक मुंबई के अंदर राजस्थानियों को मिलने का एक प्लेटफॉर्म अदा किया, उसका सारा श्रेय हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान रतन सिंह जी राठौड़ तुरा साहब को जाता है कि उनका नेतृत्व तो ऐसा था कि उनसे कोई आदमी जुड़ता ही गया और ये कारवा बनता गया। आज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जालौर सिरोही विकास परिषद एवं छत्तीस कौम एकता परिषद ने अपना एक नाम कमाया है। यहाँ सभी लोग तन मन धन से इसमें सहयोग करते हैं और ये ऐतिहासिक है।